फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से आप अपने कंप्यूटर में कैसे फ़ोटो एंड वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, ये बेसिक नॉलेज है, काफ़ी लोग को नहीं पता होता है। जिनको नहीं पता है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू सेंड फ़ोटो एंड वीडियो इन लैपटॉप फ्रॉम मोबाइल। यहाँ फ्रेंड्स, या तो आप ये कह सकते हैं हाउ टू सेंड फ़ोटो टू लैपटॉप वाया USB केबल। जी हाँ फ्रेंड्स, USB केबल के थ्रू आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करके, मोबाइल और लैपटॉप को कनेक्ट करके, आप मोबाइल के डाटा को आप अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है ये एक USB केबल का। अब वो टाइप सी हो या माइक्रो, वो आप देख लीजिएगा कि आपके मोबाइल में कौन सा पोर्ट है। उस तरह का आपको केबल लेना है, आप अपने मोबाइल में इंसर्ट करना है टाइप सी पोर्ट और अपने लैपटॉप में USB पोर्ट को इंसर्ट करना है। जैसे ही इंसर्ट करेंगे फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, चार्जिंग दिस डिवाइस वाया USB। यहाँ पर आपको टैप करना है। यहाँ फ्रेंड्स, नो डाटा ट्रांसफ़र, इसमें आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ चार्ज होगा। फाइल ट्रांसफ़र एंड्रॉयड ऑटो और ट्रांसफ़र फोटो ओनली PTP। तो आपको फाइल ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, बस ये काम हो गया। अब आपको अपने लैपटॉप को ओपन करना है। यहाँ फ्रेंड्स, लैपटॉप में फ्रेंड माई कंप्यूटर को ओपन करना है। दिस PC अगर आपके विंडोज़ 10 है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फ्रेंड्स माय कंप्यूटर या दिस PC पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल का लोगो आ जाएगा, रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G, इस पर आपको क्लिक करना है। और इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज यहाँ पे दिखा रहा है, इतना GB फ्री ऑफ 225 GB। यहाँ फ्रेंड्स, उसके बाद आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। इसमें काफ़ी सारे फोल्डर आ गए हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। अब जिस फोल्डर में आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको ओपन करना है। जैसे मान लीजिए ये पिक पे हमको क्लिक करना है, और यहाँ पे हम अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पिक है 2-3, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बाकी यहाँ पे एक वीडियो है। तो मान लीजिए हमें इसको क्लिक कर कॉपी करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, कंट्रोल करिए और एक फोल्डर और करना है वीडियो। यहाँ पे हमने कंट्रोल करके यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉपी करना है। उसके बाद जहाँ भी आपको पेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ सी ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू फोल्डर कर दीजिए, फोल्डर का आप नाम रख दीजिए कुछ भी, XYZ, और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये डाटा पेस्ट हो गया आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके PC में। अब यहाँ से आप जो है ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये ओपन हो गया है। ये एक वीडियो है, चलिए इसको भी हम ओपन करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये ओपन हो गया है फ्रेंड्स। वीडियो, ऑडियो, इमेज कुछ भी आप जो है आप अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में ले सकते हैं। इसी तरह से आप अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ, कोई भी PDF हुआ, वो सब आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पहले तो आपको डाटा कॉपी करना है, जहाँ से आपको लेना है और जहाँ पर आपको रखना है वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। बस इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ टेक एन इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।